हमने आपको मीटर डाउन करके दिखाना है, अल्लाह ख्याल करे। ऊपर से एवरेज मेरी वाली से अच्छी, मेरी डिंगी से अच्छी दे रही है, आपको डिंगी तो पता ही है। मेरा परमिट है ना, वो मैं आपको जाकर तो वो स्कैन करके होता है, आपका भी इंशाल्लाह ऐसा ही स्कैन होगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है वेरीफाइड और ये आईडी कार्ड नंबर को नंबर डाल दूंगा परमिट का। अच्छा बारे है कि अब मैं आप लोगों को सीन समझा दूंगा। सीन क्या है कि मैं आप सो के उठ गया हूँ और पहला दिन है मेरा वाकेंड में, मैं जा रहा हूँ मेजर हम के पास चिरकुट, जिसको शायद आप लोग जानते हो। आज तो सीन रखते हैं, दिल्ली दोस्तों से मिलते हैं, जो दो चार रह गए हैं उनसे मिलके इंशाल्लाह फिर अगले नेक्स्ट डे हम प्लान्स करेंगे अपने, सबसे मिलेंगे, सारे व्लॉग्स नहीं रुकते हैं। आप लोगों ने परेशान नहीं होना भाई, आपका भाई आपके साथ साथ। एवरेज बताओ फिर कितनी चाहिए भाई। अब मैं लोकल पे चला के आपको एवरेज बताऊंगा इसकी एवरेज क्या आ रही है। मैं वैसे पेंजूंगा जितना पेंज सकता हूँ गाड़ी को, फुल नपूंगा होंगे भी, तब तक टैंकी नहीं खाली होगी मुझे सुकून नहीं आएगा। मोटर पे हमने गाड़ी चला ली है, ये शीशे होने लगे ऊपर में, शेयर साहब है और अब हमने आपको मीटर डाउन करके दिखाना है, अल्लाह ख्याल करे। ये सिर पे है, कुछ कांड ही ना हो जाए। बाकी आज तो कुछ पढ़े थे पहले ही भैया, तुम भी पढ़ लो फिर आपको चेक कराते हैं सिस्टम। 30 किलोमीटर का मोटर वे, ऐसे ज्यादा नहीं है। ये पिशावर वाले मोटर वे हम चढ़े हैं, बातर मोड, यहाँ से हम उतरेंगे इस्लामाबाद वाली साइड पे। अस्सलाम वालेकुम, ये हमें मिल गया है हमारा वो मेजर, हमने जो घूम गया था पिछले साल ना। नहीं यार काशिर, तू ये कश्मीर है, भूल गए यार मुझे तो। हाँ भूल गया, मैं तो पता नहीं समझ मैं किधर आ गया, किसके घर मुझे बुला लिया इसने वापस। अच्छा ठीक है, गलती दे रही है। तो गाड़ी माशाल्लाह उसको पसंद आई है, इससे मैंने नई गाड़ी ली, लेकिन वो आज नहीं हम आपको दिखाएंगे, वो आपको दिखाएंगे हम कल। कल मिशन है, 2-3 ज़रा मिशन पे भी जाना है राइट। अभी फिलहाल थोड़ा गेड़िया मार के इस्लामाबाद की एवरेज मैंने हालांकि भुगाई, अभी मैंने 190 का मारा मीटर, तो ये एवरेज आई है जहाँ तक पहुँचते 119.5। तो अभी गाड़ी की एवरेज माशाल्लाह बहुत अच्छी है, जहाँ तक मेरा ख्याल है ना लोकल पे जाएगी भी तो तकरीबन भी 15-16 तक रहेगी यहाँ पे। पूरे सांबा की रोड भी साफ है, आप बाकी अल्लाह मालिक है। अरे वैसे बहुत वो इतनी प्यारी गाड़ी माशाल्लाह, ऊपर से एवरेज मेरी वाली से अच्छी, मेरी डिंकी से अच्छी दे रही है, आपको डिंगी तो पता ही है उससे ज्यादा। दिखा दूंगा कल नई डिंगी ले लिया इसने व्हाइट कलर, वो भी पहली पाकिस्तान की गाड़ी है। मुझे कॉपी किया तुमने व्हाइट कलर में, मुझे कॉपी किया आपसे पहले मैंने ली है। सिटी भी तो व्हाइट थी, ये बात ना। अभी तो और भी सरप्राइज है, मैं दिखाता हूँ अभी मैं आपको। चलो वो कल दिखाएंगे, कल हाँ वो ब्लॉग में बताएंगे। आज रात मुझे कितने बजे मैं घर आया हूँ, क्या टाइम हो रहा है देखना आता है नहीं आता। 1:47 हो रहे हैं और इस टाइम मैं घर पहुँचा हूँ, और थोड़ी बहुत गलियाँ पड़ी, थोड़ी बहुत पड़ी है ना, ठीक है। चलो आप ऊपर, तो ये ब्रेड दूध खा रहा है, मैं कहा चलो ठीक है मैं सैरी कर लूँ ज़रा, तो बात की हिसाब किताब लगाते हैं। जैसे कि हम की तरफ से हम हुए थे और बहुत मज़ा आया, लेकिन आपको सीन दिखा सकते, लेकिन इसमें मीटर मारा पूरा 180-185, इससे ऊपर नहीं मैं गया क्योंकि मुझे जगह नहीं मिली, मौका नहीं मिला, टाइम नहीं मिला। तो मैं अभी घर आया था, गाड़ी ये सामने खड़ी है मेरी, और अब मैं खाला से ज़रा थोड़ी गलियाँ खाने जाना, सुबह के 5:30 बज रहे हैं, मैं अभी थोड़ी देर पहले घर आया हूँ, फुल इन्जॉय मार के। वाह पहले का ही खुला, मैंने गालियाँ खा ली हैं खाला से चंगी भली, और अब आपके सामने मैं जा रहा हूँ थोड़ा। अब ब्लॉग मैंने बना दिया था लेकिन वो अपलोडिंग नहीं हुआ, बाहर बहुत ज़्यादा ना नेट स्लो आ रहा था। ये नमाज पढ़ के आ रहे हैं कुछ नेक बच्चे, पढ़े नमाज 1-2-3-4। तूने बालों को क्या किया, मुंह पे क्यों गिरे हैं, केराटिन नहीं करा बैठा, बस कर दे केराटिन करा के आया, केराटिन करा के आया। गुड बाय, कल मुलाकात होती है। अल्लाह आप सबको उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। ये नेक्स्ट डे ठीक है ब्लॉग में बना रहा था, बेसिकली मैं शूट आज लोग इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को दो इन्फॉर्मेशन देनी थी बहुत ज़रूरी। एक इन्फॉर्मेशन है परमिट के बारे में, टिंट परमिट, और दूसरे है इसका मीटर डाउन करने के बारे में। और एवरेज जो लोकल पे आ रही है वो है 16, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, तू ही आ जा, बस बैठ जा, तो परमिट गंदी ना करी गाड़ी। परमिट का सीन ये होता है कि यार देखो, परमिट पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने देखो, अगर मेरे रेफरेंस से बनवा रहे हो या मेरे थ्रू बनवा रहे हो तो मैं नहीं चाहूँगा आप लोगों के पैसे जाया हूँ। परमिट कई जगह पे काम आता है, कई जगह पे काम नहीं करता, ये भी आप लोगों को मैं बता दूँ। दूसरी बात कि मेरा परमिट तो आ गया, वो मैं तो अभी PDF फाइल में, वो उसको मैंने प्रिंट निकलवा के उसको प्रॉपर वो लेमिनेशन वगैरह करवा के पास रखूँगा। और आप लोगों का परमिट का ये सीन है कि मेरे को नंबर तो मैं डाल देता हूँ, आप लोग से बनवा लो, बात करके कैश ऑन डिलीवरी कर लो, जो भी आप लोगों की बात होती है, कितने में बन रहा है कितने में नहीं बन रहा, लेकिन परमिट काम वहाँ पे आएगा, वार्डन के आगे नहीं चलता, बहुत कम है कि चले वार्डन वाला माने इस चीज़ को, लेकिन पुलिस वगैरह इस चीज़ को मान लेती है। और आउट ऑफ सिटी वगैरह जाने हो तो कोई भी रोकता है ना, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलो परमिट है इसके पास रहने दो। बाकी
मैं आपको नंबर डाल दूंगा परमिट का, आप लोग कॉन्टेक्ट करके आराम से अपने रेफरेंस से अपने तसल्ली करके ले सकते हो और अपने थ्रू ही लेना, ठीक है। मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, मैंने बनवाया हुआ है और मेरा आप लोगों के सामने ही होगा, मैं दिखा भी दूंगा, ठीक है, प्रिंट निकलवा के। इधर अपनी खाला से मिल लूँ और इंस्टाग्राम लिंक में डाल दूंगा परमिट वाले का, आप लोग इंस्टाग्राम विजिट करके फिर कर सकते हो जो भी करना हुआ, ठीक है। खाले को व्लॉग में लेके आ सकते, व्लॉग में जरा फैमिली कम ही लेके आता हूँ मैं, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा है कि मैं उनको लेके आऊँ। खाला से मिल ली है, मम्मी टोन से भी मैंने मिल ली है, अब हम के पास जाने, लेकिन मम्मी को साथ ही लेके जा सकता, उसका रीजन ये है कि मम्मी ने कोई एक दो काम करने हैं तो मुझे अकेला जाना पड़ेगा। मेरा एक और कजन भी था शियान, लेकिन उसको भी नहीं लेके जा सकते क्योंकि यार डेली रात को उसकी मामा बोलती है ना यार कि क्या मेरे बच्चे को किधर घुमा फिरा रहा है। मैं दोस्त से अब हमसे मिल लेता हूँ, खुद ही जाके वापस आते हैं, फिर सुबह कल का सीन हम रखेंगे लाजमी। आज थोड़ा सा मैं आपको दिखाई दूंगा कि गाड़ी का एक फुल कहाँ तक गाड़ी और कितनी जोबन में है गाड़ी अपनी। हम के घर के बारे में पहुंच गए हूँ, उस्मान में आरस खड़ी है, चेक करें यार कितनी प्यारी है, बहुत प्यारी गाड़ी है। लेकिन लड़कियां जो सिविक समझती हैं जिस गाड़ी को, वो ये वाले जिसमें हम बैठे हैं। बात खत्म। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? तू जैकेट ले आया, लगता है वाकई ठंड लग रही है यार। वो घर पे कोई भी नहीं है, ठंड लग गई। ठीक है, व्लॉग स्टार्ट कर रही है। हां, व्लॉग में ऑल टाइम मिलता है। सामने देखिए, आरएस किसकी है यार, इधर एक लड़का रहता है, उसकी बड़ी मजे की तैयार की हुई उसने। नहीं, बहुत प्यारी लग रही है, मैंने देखा 100% इंटर शीशे का फोन का ये है 15 प्रो मैक्स। हां, सोना सोलह प्रो मैक्स, सोलह। मेरा परमिट है ना, वो मैं आपको चेक करता हूँ, वो स्कैन करके होता है, आपका भी इंशाल्लाह ऐसा ही स्कैन होगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है वेरीफाइड और ये आईडी कार्ड नंबर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपने वेरीफाइड का बैज पढ़ना है और नीचे मेरे वाले साहब का नाम लिखा हुआ है वो पढ़ना है। उसके अलावा नीचे का व्हीकल डिटेल्स, डिटेल ना दिखाओ ना, बस सही है, वो खैर नंबर ही लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा, ठीक है। ये ऑल पाकिस्तान का, 5 साल का मेरे ख्याल से, तो 5 साल सुख में। अब इस वक्त ये बंदा मुझे कहाँ पे लेके आया, कहाँ पे? F7 मरकज में, जहाँ मेहंदियाँ बनने लगती है। वो सामने देखे, वो देखे। मतलब कि यहाँ पे आए हैं और यहाँ से इसने कहा कि थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश कर ले, माइंड फ्रेश करने के बाद जहाँ मर्जी चलेंगे। मैं कहा मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो माइंड फ्रेश करने ही आया, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है, शीशे भी नीचे कर लिए सर ने, खुल गया। मोटर में मैं चढ़ गया हूँ तो यहाँ पे मीटर टर्न करने की बारी आ गई, रात का बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है और मैं अकेला हूँ, लेकिन जितने कितना हमसे मीटर लगता है, कितने लगता है और ज्यादा मीटर में व्लॉग में नहीं मारूंगा, किसी ने देखना होगा तो मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी देख लेना, क्योंकि व्लॉग जो है मेरे घर वाले भी देखते हैं तो वो फिर मसला मेरे लिए खराब होगा। बाकी डैश टाइपिंग जो है वो खत्म नहीं है, टेंशन लो, वो चलती रहेगी। एक दफ़ा जरा इस्लामाबाद से घर से चला जाऊँ, इसकी पेमेंट क्लियर हो जाए ना, फिर मसला कोई नहीं है, फिर टेंशन कोई नहीं। अच्छा, जो मैंने देखा ना इस गाड़ी का, वो ये सीन है कि 207 पे ना इसका मीटर लॉक हो रहा है और 207 से आगे नहीं जा रही गाड़ी। 207 तो ऐसे जा रही है जैसे पता नहीं, तो आपको काम है, वो स्पीड में 207 पे जा रही है लेकिन 207 से आगे नहीं जा रही। इसका मतलब ये है इसका मीटर लॉक है, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मीटर हमें अनलॉक करवाना पड़ना, वो तो चलो हो जाएगा, फिर इसके बाद होगी डायनोट्यून यानी स्टेज वन यानी बिल्कुल कोशिश करेंगे स्टेज 3 तक लेके जाएं, स्टेज 2 स्टेज 3, उसमें ये होता है हेडर्स चेंज होते हैं इसके, सब कुछ पाइपिंग शेपिंग डाउन पाइपिंग एग्जॉस्ट वगैरह हर चीज़ चेंज होती है, तो हमने इसको स्टेज 3 तक कोशिश करने लेके जाएं गाड़ी को। लीव इसीलिए हमने, आप लोगों ने परेशानी होने चला, अभी तो फिलहाल घर चलते हैं, घर जाके बात करते हैं, लेकिन पता आप लोग चले होगा स्पीड में कैसे कैसे गई है, और बाकी कुछ बात रह गई हो तो मुझे बताना लाजमी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।